सिपाही की कभी गलती होती है? सिपाही तो आदेश का पालन करता है, सिपाही कहाँ से दोषी होगा? सिपाही को जिस पदाधिकारी ने यह आदेश दिया कि मंत्री के गाड़ी को रोको और मेरी गाड़ी को पास कराओ, उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिपाही तो बलि का बकरा बनेंगे, ये शुरू से होता आया है। सदन में भी जो विधायकों को अपमानित किया गया उसमें भी सिपाही ही बलि का बकरा बने। कहाँ थे वो दोषी, जो डीएम जो दोषी था? कहाँ गए वो एसपी जो दोषी था जिसने आदेश दिया सिपाहियों को कि आप इस तरीके से काम करो? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार आज शीतकालीन सत्र के चौथे दिन जैसे ही बिहार विधानसभा पहुंचे वो आग बबूला दिखे, क्या पूरी बात है? हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के विधायिका और इनसे मेरा सवाल है, कैसे देख रही हैं जब एक मंत्री आग बबूला हो? हम लोग बहुत, विपक्ष हमेशा कहा है कि अफसरशाही पराकाष्ठा पे अफसरशाही है, अफसरशाही है। आज देखिए इतनी विचित्र की सत्ता पे बैठे हुए लोग सदन में मंत्री जी बोलते हैं कि अफसरशाही का सामना कर रहे हैं, जहाँ मंत्री इस तरह की बात कर, जो सत्ता पक्ष के लोग बात कर रहे हो, तो निश्चित रूप से नैतिक रूप से मैं कहूंगी कि नैतिकता बनती है कि सरकार को अपने मुख्यमंत्री की गलती है या अफसरशाही पर अफसरों की गलती है और अफसरशाही पराकाष्ठा पे। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रही थी आरजेडी विधायक विधायिका, इन्होंने साफ तौर से कही है कि से बिहार में अफसरशाही है और अफसरशाही के कारण ही इस तरह के बातें जो हैं सामने देखने के लिए हमेशा से मिलता रहा है। विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठाता रहा है और इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं, इसी का खामियाजा जो है आज एक बिहार सरकार में मंत्री के साथ देखने को मिला है। के सत्र के दौरान मंत्री जो हैं बिहार सरकार के जीवेश जी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि उनको अपमानित करने का काम किया गया। सदन में जब वो अंदर आ रहे थे डीएम और एसपी के कारकेड के लिए उनको रोक के रखा गया, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात को उठाया। जब मैं इस सरकार में जब एक मंत्री को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि किस प्रकार से विधायकों को इसी सदन के अंदर अपमानित प्रताड़ित किया गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की ये पूरी तरह से मंशा है कि जनप्रतिनिधियों को किस प्रकार से अपमानित किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, उनको कोई भी कार्य करने के लिए किसी भी मंत्री को ये उपलब्ध नहीं है। सभी मंत्रियों को पदाधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग ये मांग करेंगे जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई। अभी जो हुआ है मुझे तो लग रहा है यही, क्योंकि बीजेपी के मंत्रियों को चुन चुन कर और विधायकों को चुन चुन कर प्रताड़ित किया जा रहा है। ये तो जभी जमान में जब आप पूछिएगा विधायकों से और मंत्रियों से तो आपको क्लियर कट वो बताएंगे आपको ये बात। मुझे लगता है कि बीजेपी और जदयू को अलग अलग हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपस में विरोधाभास है जिसके चलते ये सब हो रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए? सिपाही की कभी गलती होती है? सिपाही तो आदेश का पालन करता है, सिपाही कहाँ से दोषी होगा? सिपाही को जिस पदाधिकारी ने यह आदेश दिया कि मंत्री के गाड़ी को रोको और मेरी गाड़ी को पास कराओ, उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिपाही तो बलि का बकरा बनेंगे, ये शुरू से होता आया है। सदन में भी जो विधायकों को अपमानित किया गया उसमें भी सिपाही ही बलि का बकरा बने। कहाँ थे वो दोषी, जो डीएम जो दोषी था? कहाँ गए वो एसपी जो दोषी था जिसने आदेश दिया सिपाहियों को कि आप इस तरीके से काम करो, मारो पीटो विधायकों को? तो ये तो कार्रवाई अधिकारियों पर होनी चाहिए। सिपाही तो क्या है, सिपाही को तो जो आदेश मिलेगा वो काम करेगा। सिपाही कहां से दोषी? तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस विधायक आनंद सागर, उन्होंने भी साफ तौर से कहे हैं कि बिहार में सिपाही को बलि का बकरा बनाया जाता है, रियल गलती तो पदाधिकारियों का ही होता है, एसपी डीएसपी और डीएम का होता है जो आदेश इन सिपाहियों को देते हैं और बेवजह का जो है कार्रवाई सिपाहियों पर जो है पुलिस या कानून जो है करती है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस प्रकार से जीवेश मिश्रा आग बबूला हुए हैं सदन में, इस बात को भी उठाए हैं, आगे किस प्रकार कार्रवाई होती है। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।